दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ में अमर होने की एक कथा सुनाई थी, जिसको एक कबूतर के जोड़े ने सुन लिया था और आज भी वे बिल्कुल अमर होकर जी रहे हैं। कबूतर को भगवान शिव का गुप्त सेवक बताया जाता है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि कबूतर एक गुप्त सेवक होता है। इसीलिए सावन के महीने में कबूतर से जुड़ी हुई कुछ खास चीजें करी जाती हैं, जिनको अगर कर लिया जाए तो तुरंत ही किस्मत बहुत तेजी से बलवान हो जाती है। चाहे किस्मत में कितना भी बड़ा दुर्भाग्य ही क्यों ना हो, तब भी बड़ी आसानी से किस्मत बलवान हो जाती है। और जिस व्यक्ति की किस्मत बलवान होती है, ऐसे व्यक्ति को धन की परेशानियों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि जिस व्यक्ति को किस्मत बलवान हो जाए, जिस व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसा व्यक्ति जो चाहे अपने जीवन में कर सकता है। वह जो भी सोचता है उसके जीवन में बिल्कुल होता ही चला जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकृति उसकी मदद करने लग जाती है। और ये चीज आप खुद भी देख सकते हैं कि सावन के महीने में पूरी प्रकृति हरी भरी होकर नाचने लग जाती है, बादल नृत्य करते हैं, बरसात होती है, क्योंकि ये सारी चीजें केवल भगवान शिव की ही भक्त होती हैं। इसीलिए भगवान शिव का भक्त होना एक सौभाग्य की बात होती है। जो भगवान शिव के भक्त होते हैं, उनके जीवन में कभी भी कितनी भी बड़ी परेशानी ही क्यों ना हो, वह निश्चित ही हर एक परेशानी को मात निश्चित ही दे डालते हैं। महादेव के जो भक्त होते हैं, वे बड़े ही ज्यादा निडर होते हैं और ऐसे लोगों की काफी ज्यादा इमोशंस और फीलिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। और आकर्षण के लिए इमोशंस और फीलिंग होना बेहद आवश्यक होता है। यही वजह है कि महादेव के जो भक्त होते हैं, वे जो भी चाहते हैं अपने जीवन में निश्चित ही पाते हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता है। इसीलिए आप इस खास प्रयोग को भी अवश्य ही करें, क्योंकि इस प्रयोग को करने वाला तुरंत ही अपने किस्मत को, यानी कि बुरी किस्मत को बलवान बना सकता है और खुशियों से और सुख से जी सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि कबूतर का एक पंख आपको लेकर आना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल सफेद कबूतर का ही पंख आपको लेना है और इसी पंख से आपको एक मंत्र लिखना है। मंत्र लिखने के लिए जो स्याही तैयार करनी है, वो खास तरीके से आपको बनानी है। उसे बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि बेल पत्र जो होते हैं, उनका रस आपको निकाल लेना है। सिंदूर में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, इसी का रस मिलाकर आपको एक स्याही बिल्कुल तैयार कर लेनी है। पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। थोड़ा पानी की अगर आवश्यकता है स्याही को पतला करने के लिए तो आप मिला सकते हैं, लेकिन बेल पत्र का ही रस आपको ज्यादा मिलाना है। उसके बाद किसी भी कागज पर 108 बार इसी स्याही से, कबूतर के पंख से इस मंत्र को लिखा जाता है। तो चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा संकट ही क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत में ही आप क्यों ना फंसे हों, तुरंत ही निकल जाते हैं और किस्मत इतनी बलवान हो जाती है कि फिर जो आप चाहते हैं वही होने लग जाता है। संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। अगर धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं तो उन सब में भी राहत प्राप्त होती है। यह मंत्र आप सुन लें। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। यह शिव गायत्री मंत्र है, जो बिल्कुल एक अमोघ और रामबाण की तरह कार्य करता है। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। चाहे आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हो, कितनी भी बड़ी कोई ना कोई परेशानी ही क्यों ना हो, तो बस आप इस प्रयोग को करके देखें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनसे सहायता मांगे। इस प्रकार करने से हर एक कष्ट में सहायता निश्चित ही प्राप्त होती है। अगर आप 108 बार इस मंत्र को नहीं लिख सकते हैं तो 51 बार कम से कम यह मंत्र निश्चित ही लिखा जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि जितना ज्यादा अधिक इस मंत्र को आप लिखेंगे, उतना ही ज्यादा किस्मत आपकी बलवान होती ही चली जाएगी। और जिस व्यक्ति की किस्मत बलवान होती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। उसके जीवन में कभी भी धन की परेशानी या समस्याएं नहीं आती हैं। वह जितना चाहे धन कमा सकता है, जो चाहे कर सकता है, क्योंकि भगवान शिव के जो भक्त होते हैं, वह होते ही बड़े खास हैं। जो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है, वो केवल भगवान शिव के भक्त ही कर सकते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण ताकत केवल भगवान शिव के भक्तों में ही वास करती है। और ये आपने देखा भी होगा कि काफी लोग कांवड़ लाते हैं, इतनी दूर पैदल यात्रा करते हैं और इतना वजन, इतना गंगा जल लेकर आते हैं, पीठ पर पूरा बोझ लाद कर आते हैं और बिल्कुल सही और सुखद रहते हैं और कोई भी तकलीफ उनको होती नहीं है। तो ऐसी शक्ति केवल भगवान शिव के भक्तों में ही होती है। जो एक बार किसी चीज को ठान ले तो पीछे नहीं हटते हैं और जो चाहे अपने जीवन में करते हैं। तो यह जो प्रयोग हमने बताया है, यह बड़ा ही ज्यादा खास प्रयोग है। आपको ये भी बता दें कि 108 बार मंत्र आपको एक ही बार में नहीं लिखना है। आप एक दिन, दो दिन या 11 दिन, 21 दिन ऐसे करके भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं।
लेकिन कोशिश करें कि कम से कम समय में आप इसे लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना कम समय आप लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी विश पूरी हो जाएगी। यह मनोकामना पूर्ति का बड़ा ही ज्यादा खास प्रयोग अपनी सुविधा के अनुसार बड़ी आसानी से आप घर में ही कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है इस प्रयोग से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, उसके बारे में बता दिया जाएगा। इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।